हेलो नमस्कार। अभी स्टूडियो में हम एलसीएम फाइंड करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर 25, 40 एंड 60 का एलसीएम फाइंड करेंगे। हमारा मेथड रहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें क्या करना है, इसको ऐसा लिखना है और अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर हैं। सर्वप्रथम हम अपना 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 2 का डिवाइड चेक किया 25 में, तो आपका 25 2 से डिविजिबल नहीं है। देखिए, 2 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है जिनका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो। तो यहाँ पर यदि 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको जैसा है वैसा हम आगे लिख देंगे। अब 40 में 2 का डिवाइड किया हमें कितना मिल गया? 20। 60 में 2 का डिवाइड किया हमें कितना मिल गया? 30। फिर दोबारा 2 का डिवाइड चेक करना है, 25 में नहीं हो रहा है, आगे लिख दो 20 में 10 बार, 30 में 15 बार। फिर दोबारा 2 का डिवाइड 10 में 5 बार, 15 में 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, 25 में भी नहीं हो रहा है। फिर क्या करें, अब हम चेक करें इनमें से किसी में भी आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है। आगे हम 3 के पास जाएंगे, 3 का डिवाइड किया 15 में 5 बार, 5 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, 25 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। जो नहीं है उसको जैसा है वैसा आगे लिख देंगे। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आपका 3 से इनमें से कोई डिविजिबल नहीं है, तो हम आगे 5 का डिवाइड करेंगे, 25 में 5 बार, 5 में 1 बार और यहाँ भी 1 बार। फिर दोबारा देखें 5 में 5 का डिवाइड 1 बार, यहाँ 1, 1, सब जगह 1, 1 आ गया, एंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमारा एलसीएम क्या है, देखिए यह जो फैक्टर आए हैं इनका मल्टीप्लाई क्या बनेगा एलसीएम। देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 3 आपका 1 बार, और 5 आपका 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब हम इन सब का गुणा कर देते हैं, कितना आ गया आपका 600। तो इस तरीके से ये हमारा एलसीएम बन जाता है।